हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 5.6 का प्रश्न संख्या एक हल करेंगे। हमको दिया हुआ है कि यदि x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बटे dx हमको ज्ञात करना है। और हमको दिया हुआ है x बराबर 2at² और y बराबर 8t की पावर 4। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनको। हमको दिया हुआ है x बराबर 2at². तो अब देखिए, यहां पर अपने पास t के टर्म्स में x दिया हुआ है और इसी तरीके से t के टर्म्स में y दिया है, तो इसी t को ही हम प्राचल बोलते हैं। तो t यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, प्राचल हो जाएगा। चलिए, हमने इतना समझ लिया। अब हमें निकालना है कि dy बटे dx निकालना है, और हमको बोला गया विलोपन किए बिना निकालना है, अर्थात dy बटे dx का मान यदि t के पदों में आ रहा है तो हमें केवल उतना ही छोड़ देना है। अगर हम विलोपन कर देंगे मतलब t का हमें मान हटाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हमें दिया हुआ है विलोपन किए बिना, अर्थात हमें t को हटाना नहीं है। तो देखिए कैसे निकालते हैं उनको। अगर हमें dx बटे dt निकाल लें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 4at। और इसी तरीके से dy बटे dt निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 4at की पावर 3। अब देखिए, अपने को dy बटे dx निकालना था, तो हम जानते हैं dy बटे dx को, देखिए मैं dy बटे dt लिख सकता हूं और अपॉन करके dx अपॉन dt लिख सकता हूं। तो यहां से अब हम वैल्यू लगाएंगे तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 4at की पावर 3 बटे 4at इक्वल टू अपने पास t आ जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। यहां पर t स्क्वायर आएगा, आप देख सकते हैं। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। हमको दिया हुआ है यदि x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बटे dx ज्ञात कीजिए। x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पुराने जैसा, बस यहां पर प्राचल अपने पास क्या हो गया है, थीटा। तो देखिए, सबसे पहले हम dx बटे dθ निकालते हैं और dy बटे dθ निकालेंगे। तो देखिए, dx बटे dθ निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का a sin थीटा, और इसी तरीके से dy बटे dθ निकालूंगा मतलब माइनस का b sin थीटा आ जाएगा। चलिए, मैंने ये तो कर लिया। अब मेरे को चूंकि dy बटे dx निकालना था तो मैं लिखूंगा dy बटे dθ और हर में आ जाएगा dx बटे dθ, और यहां पर मैं उनके मान लगा दूंगा। तो देखिए अपने पास आ जाएगा माइनस का b sin थीटा डिवाइडेड बाई माइनस का a sin थीटा, और सिंप्लीफाई करूंगा तो अपने पास b बटे a आ जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया हुआ है कि यदि x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बटे dx हमको ज्ञात करना है, और x बराबर sin t तथा y बराबर cos 2t दिया हुआ है। तो देखिए, यहां पर x t का फलन है और y भी t का फलन है, तो यहां पर प्राचल अपने पास क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो चलिए, मैंने ये तो पता कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, x का t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो dx बटे dt करूंगा, तो वो हम जानते हैं cos t आएगा, सिंपल फॉर्मूला। और dy बटे dt करूंगा तो वो अपने पास आ जाएगा माइनस का sin 2t। अब चूंकि यहां t के बजाय 2t लिखा हुआ है, इसलिए मुझे इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने dy dt ऑफ 2t लिख दिया, तो अभी आ जाएगा माइनस का 2 sin 2t। तो चलिए, मैंने dy बटे dt और dx बटे dt निकाल लिया है। तो अब dy बटे dx की बारी आई, तो देखिए dy बटे dt बटे dx बटे dt मैं जानता ही हूं। अब मैं मान लगा दूंगा तो देखिए अपने पास क्या आएगा, माइनस का 2 sin 2t बटे cos t। और यदि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो देखिए, माइनस का 2 और sin 2t का फॉर्मूला मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, 2 sin t गुणा cos t बटे cos t मेरे पास चल ही रहा है। तो देखिए, cos t से cos t को मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 sin t। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा।